मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेड फोर्थ हिंदी। पार्ट दो, अद्भुत बातें। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत मजेदार होती हैं और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। आइए देखें कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मजेदार भी। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थी 6-6 छात्रों का समूह बना लें। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए। अध्यापिका बोली, अब 6 समूहों के नाम भी मैं बता देती हूँ। विकास समूह, उज्जवल समूह, पंखुरी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह, प्रगति समूह। प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मजेदार खेल के लिए? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आईं। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मजेदार तथ्य बताएं। विकास समूह। मैडम, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोले और सब बच्चों ने तालियां बजाई। अब उज्जवल समूह की बारी है, कोई 2 मजेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए कहा, उज्जवल समूह। बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने कहा, प्रगति समूह। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने कहा, सार्थक समूह। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। पूरी कक्षा तालियों की आवाज से गूंज उठती है। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती हैं। उन्नति समूह। मनुष्य चीखते समय
अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता। बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। वाह, देखा बच्चों आपने, बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्य में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो अब पंखुरी समूह के सदस्य दो रोचक तथ्य बताएं। अध्यापिका जी ने कहा, पंखुरी समूह केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन शहद मनुष्य खाता है। इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया, सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। वहाँ आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अध्यापिका ने कहा, हुर्रे, मजा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। बच्चे अब हम करेंगे पाठ दो अद्भुत बातों के कठिन शब्द। पाठ दो अद्भुत बातें कठिन शब्द। तो चलिए करते हैं कठिन शब्द। इसके पहला कठिन शब्द है अध्यापिका। पहला कठिन शब्द है अध्यापिका। नेक्स्ट है 36 और दूसरा है 36। नेक्स्ट उज्जवल। फोर्थ है सार्थक। नेक्स्ट है उन्नति। उसके बाद है प्रगति। नेक्स्ट ब्राजील। अगला है अंतरिक्ष यात्री। लास्ट वन इज इंग्लैंड। लास्ट वाला है इंग्लैंड। ये है हमारे कठिन शब्द। ये 9 कठिन शब्द है। आपको आपने इसको नोटबुक पर लिखना है। पहला अध्यापिका, दूसरा 36, नेक्स्ट उज्जवल, सार्थक, उन्नति, प्रगति, ब्राजील, अंतरिक्ष यात्री, इंग्लैंड। इन सभी को आपने नोटबुक पर नोट करना है। ये हमारे कठिन शब्द। अब हम करेंगे शब्दार्थ।
अभी हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब छात्र, स्टूडेंट। नेक्स्ट मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा बनाई हुई। मानव द्वारा, मानव द्वारा बनाई हुई। अभी तीसरा है रोचक। रोचक मतलब रोचक, इंटरेस्टिंग इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब है मजेदार, मजेदार। चौथा सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब सिंपैथी, हमदर्दी। हमदर्दी। तो बच्चों ये है हमारे शब्दार्थ, विद्यार्थी, छात्र, मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई हुई, रोचक, मजेदार, सहानुभूति, हमदर्दी। पहले कठिन शब्द करेंगे, उसके बाद करेंगे शब्दार्थ।